हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्ट टू। आज से हम NISM सीरीज 7 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको कुछ पैटर्न बता देती हूँ कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ओके, और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इन 8 चैप्टर्स में से। हर एक चैप्टर का हम फर्स्ट मार्क्स डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली उस प्लस फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन अराउंड 200 to 300 क्वेश्चन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट नेम इज paisainvestor.com। आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको paisainvestor.com, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वेबसाइट का, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके टॉप राइट हैंड साइड में टॉप पे आपको मॉक टेस्ट सेक्शन मिलेगा। मॉक टेस्ट सेक्शन में आपको जो भी सीरीज के प्रैक्टिस टेस्ट आप देना चाहते हैं, सीरीज 7, सीरीज 8, म्यूचुअल फंड 5, अभी तो ये 3 ही सीरीज के अपडेटेड रहेंगे। इन फ्यूचर आपको और भी सीरीज के मिल सकते हैं। अगर आप सितंबर 2020 में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये रिसेंटली आपको 3 ही सीरीज के मिलेंगे, बट अपकमिंग डेज में हम लोग और भी मॉक टेस्ट अपडेट करेंगे अदर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के, इवन NCFM के भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, बट स्टिल अभी के लिए ये। सो आपको सबसे फर्स्ट बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने 8 चैप्टर्स के, एंड देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इफ़ इन केस अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो फॉर दैट पर्पज़ वी विल ट्राई कि हम एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन रखेंगे जिसमें कि आप लोग डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा कि कब वो सेशन रखना है, बट स्टिल आज से हम सीरीज 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, ओके, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। बहुत बेसिक है कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, ठीक है, और यहाँ से अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। वन मोर थिंग गाइस, कि जो सीरीज 7 है ना, उसके जो 8 चैप्टर्स हैं वो आपस में ना मर्ज हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर में से कम आता है, इस चैप्टर में से ज़्यादा आता है। मैंने एक इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो बनाया है, मैं टॉप ऑफ द वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लें, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप देख लीजिए। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सारे ही 8 के 8 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, हम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। एंड सेकेंड थिंग, स्किप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, जस्ट बिकॉज कि बहुत सिंपल है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, जिनको थ्योरी बुरी मतलब बोरिंग लगती है उनके लिए शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, बट जो सिक्योरिटीज मार्केट के ऑपरेशन और मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं, किस तरीके से यूज़र और लाइक लैंडर और बोरोअर वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पर, या फिर ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर वर्ड ज़्यादा यूज़ होगा, तो वो उनका ऑपरेशनल मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस किस तरीके से वर्क करता है, मीन की लाइक इन शॉर्ट आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है ना, उसका पूरा नॉलेज हो जाएगा, लाइक A to Z आपको नॉलेज हो जाएगा अगर आप सीरीज 7 करते हैं तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, देन सिक्योरिटीज मार्केट को इन डेप्थ पढ़ना है, देन मनी मार्केट हमको पढ़ना है, देन प्रोडक्ट्स ट्रेडेड इन द इंडियन मार्केट सिक्योरिटीज, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेडेबल रहते हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, तो उसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। यहाँ पे हमको मनी मार्केट के बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बिकॉज द सर्टिफिकेशन नेम इज सिक्योरिटीज ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हमको पढ़नी है वो सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। मनी मार्केट आप जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज के जितना ही पढ़िए, ज़्यादा इसके अंदर इनडेप्थ मत चाहिए, बिकॉज ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हमको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है कि मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है, और ये कैश फ्लो किनके बीच में होता है, लैंडर और बोरोअर के बीच में, और यूजर और प्रोड्यूसर के बीच में, या मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, और यूजर की जगह आप कंज्यूमर भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैश फ्लो कहाँ पर होता है,
किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सिक्योरिटीज या किसी भी असेट के बदले में पैसा जो है वो फ्लो होता है इन बिटवीन दिस एंटिटीज। ठीक है, तो ये जो कैश फ्लो हो रहा है ये सबसे ज्यादा किसके लिए प्रोडक्टिव होता है? हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव होता है। मे बी आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी ज्यादा हमारी रुपी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है। अगर हमारी रुपए की डिमांड कम होती है तो हमारी इकोनॉमी भी डाउनसाइड आती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कैश फ्लो का बेनिफिट मिलता है वो किसको मिलता है? इंडियन इकोनॉमी को मिलता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाने में, इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब ये जो फंड्स हैं इसके यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो बिजनेसेस हो सकते हैं, बिकॉज उनको बिजनेस चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, डिफेंस मेंटेन करना होता है, राइट। हाउस होल्ड हो सकते हैं, नॉर्मल जो लोग घर चलाते, मतलब जैसे हम जैसे लोग, हमको रहने के लिए घर चाहिए होता है, खाने के लिए खाना चाहिए होता है। तो ये मतलब एक मिनिमल एक्टिविटीज हैं जिनके लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और प्रोवाइडर्स कौन हो सकते हैं? प्रोवाइडर्स भी सेम एंटिटीज ही हो सकती हैं। फॉर सपोज जो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ले रहा है दूसरे लोगों से, वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड दैट प्रोडक्ट पास आउट टू यूजर। गवर्नमेंट है, वो भी मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? जैसे फॉर सपोज रेलवे हो गया, रेलवे कोई प्राइवेट व्यक्ति तो नहीं मेंटेन कर सकता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। हम लोग टिकट्स खरीदते हैं, जो टिकट्स का पैसा रहता है वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं उनको सैलरीज जाती हैं उस अमाउंट से। तो ये जो है ये आपस में जो कैश एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड समटाइम एज अ यूजर्स बिहेव करते हैं, समटाइम एज अ प्रोवाइडर बिहेव करते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? बैंक्स हो सकती हैं, लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक्स फिक्स डिपॉजिट्स बना के देती है लोगों को, तो लोगों से बैंक पैसा ले रही है और किसी और को पास आउट कर रही है, राइट। ये एक साइकिल की तरह वर्क करता है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे कि लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, अपने बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब कंपनीज के नाम सुने होंगे अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में हैं तो। देन म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स भी क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स से अमाउंट जो है वो पुल करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं इन सिक्योरिटीज, एंड देन दे कलेक्ट रिटर्न्स और मैनेज द रिटर्न्स एंड गिव बैक इट टू देयर इन्वेस्टर्स, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, देन इंश्योरेंस कंपनी हो गई। इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज बनाती हैं, वहाँ से फंड कलेक्ट करती हैं, वो जो पॉलिसीज का पैसा कलेक्ट करती हैं और आपको 10 times 100 times जो रिटर्न प्रोवाइड करती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी, या आपको टर्म देती हैं 1 crore 2 crore का। तो वो अगर फॉर सपोज उनके पास में पॉलिसी सिलेंडर करने के लिए कोई पर्सन आता है तो वो आई थिंक सॉरी सिलेंडर नहीं, फॉर सपोज सरप्लस अमाउंट जो है वो कलेक्ट करने के लिए आता है व्यक्ति, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से देती है? वो यहीं इन्हीं जगहों पे इन्वेस्टमेंट करती है, आइदर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक सिक्योरिटीज मार्केट में, राइट। तो वहाँ से जो उनको रिटर्न्स मिलते हैं तो वो ये इंश्योरेंस कंपनीज मैनेज करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अमाउंट का जो फ्लो है, कैश फ्लो है, इसी को ही फाइनेंशियल मार्केट्स बोला जाता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है टू प्रोडक्टिव द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट। सो हम एक बेसिक फाइनेंशियल मार्केट्स का हायरार्की चेकआउट करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो 2 parts में डिवाइड, मतलब 2 types के होते हैं, एक मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। मनी मार्केट अगेन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में
डिवाइड होते हैं और टाइप्स होते हैं इनके, एंड देन सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. फॉर सपोज जिन्होंने NISM सीरीज 8 पढ़ा हुआ है तो उनके लिए ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ईजी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज हमने ऑलरेडी सीरीज 8 में भी एक IPO वाला सेक्शन था तो वहाँ पे ये सिक्योरिटीज मार्केट को पढ़ा था. बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम इन डिटेल में इस सिक्योरिटीज मार्केट को स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट क्या होते हैं? टू इंडिपेंडेंट और इनसेपरेबल सेगमेंट्स होते हैं. इनसेपरेबल सेगमेंट क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है? क्योंकि बिकॉज दोनों का जो ऑपरेशन रहता है दोनों टाइप्स का वो सेपरेट ऑपरेशन रहता है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन नहीं रहता है. ठीक है, प्राइमरी मार्केट की चीज़ें सेकेंडरी मार्केट में नहीं आ सकती और सेकेंडरी मार्केट की चीज़ें प्राइमरी मार्केट में नहीं आ सकती हैं. तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट. ओके, प्राइमरी वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल, फर्स्ट, सबसे पहले. सेकेंडरी से आपको समझ में आ रहा है कि सेकेंड नंबर का या बाद में, है ना, आफ्टर एंड बिफोर काइंड ऑफ आपको यहाँ से वर्ड के मीनिंग समझ में आ रहे हैं. ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो भी न्यू इश्यूज आते हैं. अब ये न्यू इश्यूज किस किस चीज के हो सकते हैं? स्टॉक के हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के हो सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के हो सकते हैं, डेबेंचर्स हो सकते हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, OFS हो सकते हैं, ऑफर फॉर सेल. यहाँ पे कुछ कॉरपोरेट एक्शंस भी इंक्लूड होती हैं लाइक राइट्स. ठीक है, तो ये सारे जो वर्क हो, मतलब ये सारे जो इश्यूज होते हैं न्यू इश्यूज, ये प्राइमरी मार्केट में होते हैं. अब स्टॉक जब नया लिस्ट होता है, कोई भी स्टॉक जब मार्केट में लिस्ट होता है तो वो अपना IPO लॉन्च करता है. ये IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल. आप चाहो तो ये नोट कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आता है, पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, तो कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है या मार्केट में अपना लॉन्च करने वाली होती है, अपने इक्विटीज लॉन्च करने वाली होती है, तो वो IPO के थ्रू अपना फंड रेजिंग करती है. मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी अपनी कुछ नंबर ऑफ इक्विटीज मार्केट में लॉन्च करती है, उसके बदले में वो लोगों से पैसा लेती है. फॉर सपोज अभी अपकमिंग IPO जो था वो कैम्स का था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम. इसका जो एक शेयर का प्राइस कंपनी ने रखा था वो कितना रखा था? 1230 रुपीज का. और जो लॉट साइज था, मतलब आप मिनिमम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 12 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. तो कैम्स का IPO आया था, मे बी 1st of October को इसका लिस्टिंग होने वाला है. ठीक है, तो इस तरीके से कंपनीज जो रहती हैं मार्केट में लिस्ट होती हैं. अब जब 1st of October को ये लिस्ट होगा तो ये कहाँ पर लिस्ट होगा? ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगा, मतलब NSE और BSE एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक्स जो हैं IPO के थ्रू आते हैं, म्यूचुअल फंड NFO के थ्रू आते हैं, न्यू फंड ऑफर. ओके, इसी तरीके से बॉन्ड्स एंड डेबेंचर्स भी इशू, न्यू इशू किए जाते हैं कंपनियां दोनों. बट यहाँ पे जो 10 ईयर रहता है वो 3 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, इस तरीके से 10 ईयर रहता है. मतलब आपका इतने टाइम के लिए लॉक इन रहता है. इवन म्यूचुअल फंड के साथ साथ ETF जो रहते हैं वो भी NFO के थ्रू आते हैं. ठीक है, OFS है, ऑफर फॉर सेल. यदि कंपनी ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट है और वो अपने कुछ और इक्विटीज मार्केट में, फॉर सपोज जैसे अभी कैम्स आया है, तो कैम्स अपने 10 करोड़ शेयर लेके आया है. इन फ्यूचर उसको लगता है कि मुझे 10 करोड़ शेयर्स को और इंक्रीज करना है, या मेरे पास जो इक्विटीज हैं, कंपनी के पास जो परसेंटेज इक्विटीज हैं, ऑलमोस्ट 70% जो इक्विटी रहती हैं वो कंपनी खुद ही ऑन किए हुए होती है या फिर उसके प्रमोटर्स के पास होती है. जो रिमेनिंग 30% इक्विटी होती है वही सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्ट होती है. ठीक है, इसमें से भी
कुछ इंस्टीट्यूट्स के पास होती है, कुछ होल्डिंग कंपनी के पास होती है, ठीक है। तो ये जो 30% इक्विटी से, ये भी डिवाइड होती है, पूरे रिटेलर के पास नहीं होती है ये इक्विटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में कंपनी लॉन्च रहती है। अब फॉर सपोज ये 70% इक्विटी में कंपनी को लगता है कि 3% इक्विटी और मार्केट में हमको लॉन्च करनी है, तो वो OFS के थ्रू आते हैं। या फिर ये कंपनी राइट्स में क्या होता है, फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो भी प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही राइट्स को दिया जाता है। ओके, अब सेकेंडरी मार्केट पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ट्रेडेबल होती हैं। ओके, आप NSE और BSE एक्सचेंज पे इनके प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हैं। यहाँ पर बायर एंड सेलर आते हैं, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू वो लोग परचेस कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो मार्केट सेकेंडरी मार्केट्स रहते हैं तो आइदर OTC के थ्रू ट्रेडेबल रहते हैं या फिर ट्रेडिंग स्क्रीन के थ्रू या एक्सचेंज ट्रेडेबल रहते हैं। तो अगर मैं एक्सचेंज ट्रेडेबल की बात करूं, ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेबल में यहाँ पे ये NSE, हमारे पास सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक NSE और एक BSE। तो यहाँ पर लिस्ट रहती हैं कंपनियाँ, उसके थ्रू ट्रेडेबल होते हैं या फिर ओवर द काउंटर। OTC का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि OTC का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, सो ओवर द काउंटर मार्केट पे भी ट्रेडेबल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। मनी मार्केट एक फाइनेंशियल असेट्स के लिए रहता है, ठीक है। अब इसमें मेनली क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर आप दो तरीके के सिक्योरिटीज आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे फर्स्ट, ये जो फाइनेंशियल मार्केट रहता है मनी मार्केट, ये कम्प्लीटली कैश इक्विवेलेंट होता है। कैश इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे ओनली सॉरी डेब्ट सिक्योरिटीज का मीनिंग समझ में आता है। फॉर सपोज आपने कुछ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, और इस इन्वेस्टमेंट पे आपको एक इंटरेस्ट रेट, जो भी लेंडर है वो आपको, या सॉरी जो भी बोरोअर है, जो भी कंपनी बोरो कर, 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपीज जिस कंपनी को आप लैंड कर रहे हो, मतलब आप जिस भी कंपनी को दे रहे हो, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। एंड वो क्या करती है, आपको इंटरेस्ट रेट देती है 7%, 8%, डिपेंड की उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज क्या चल रही हैं, है ना, उनको कितने अमाउंट की डिमांड है, मार्केट में पैसे की डिमांड है या नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट वो प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम ये कभी कभी 10% तक भी जाता है, मिनिमम 7% के अराउंड रहता है, मैक्सिमम 10% के अराउंड रहता है। फॉर सपोज इससे लो देंगे तो व्यक्ति FD जो कि कंप्लीटली सिक्योर्ड है, ये कम्प्लीटली सिक्योर्ड नहीं रहता है, ये अश्योर्ड रहता है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें या फिर जो गवर्नमेंट की डेब्ट सिक्योरिटीज रहती हैं, तो वहाँ पे फिर भी आपका जो मनी है वो सिक्योर्ड है। बट अगर कॉरपोरेट या फिर कोई अदर आपका क्या बोलना चाहिए कि कंपनी के थ्रू आप अगर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि वो कंपनी कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल, मतलब कि लाइक कितनी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि कितना सिक्योर है आपका मनी। तो अगर इससे लो देंगे तो लोग क्या करेंगे, FD जो कम्प्लीटली सिक्योर्ड है या RD जो कम्प्लीटली सिक्योर्ड है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बट टू अर्न सम लिटिल बिट हायर इंटरेस्ट, तो फिर लोग यहाँ पे डेब्ट सिक्योरिटीज में जाते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म रहते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो सबसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए कि पॉपुलर है वो T-बिल है, ट्रेजरी बिल्स। इनकी जो मैच्योरिटी टाइम रहता है वो 91 डेज का रहता है, ठीक है। तो 91 डेज में ये मैच्योर हो जाते हैं। मतलब फॉर सपोज अगर आपने 1 लाख रुपीज़ T-बिल में इन्वेस्ट किया है
ना, तो टी बिल पे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर सपोज 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो 1 लाख रुपीज पे 7% कितना हो गया आपको, और ये ईयरली रहता है। हाँ, अगर फॉर सपोज 91 डेज है, मतलब ऑलमोस्ट 3 आई थिंक, हाँ 3 मंथ का, तो 3/12 से ये डिवाइड हो जाएगा जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट, तो ये मनी आफ्टर 91 डेज आपको रिसीव हो जाता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में जो सबसे कॉमन और पॉपुलर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज होता है ना, लाइक बॉन्ड्स हो गए, डेबेंचर्स हो गए, तो ये सब चीजें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आती हैं। और उनका जो टेन्योर रहता है, लॉन्ग टर्म इनका टेन्योर रहता है 10 ईयर, 13 ईयर और मिनिमम 6 ईयर, मतलब इतने टाइम के लिए आपका फंड जो रहेगा वो लॉकिंग में रहेगा। लॉकिंग मतलब उतने टाइम तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आप पहले पैसा निकालते हो, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है कि आप फंड जो है आप वो पहले रिफंड कर सकते हो, बट उसके लिए क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। तो मनी मार्केट जो है वो प्राइमरी किसमें, शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज में डील करता है। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि बैंकर्स हो गए, कस्टोडियन पार्टीज हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये सारे इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज बोला जाता है इनको, और ट्रेजरी बिल, टी बिल्स बोला जाता है, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट वर्दी है वो ट्रेजरी बिल्स है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। और अगर फॉर सपोज आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और आप एज अ सिक्योरिटी ये किसी को देते हो, तो ये कैश इक्विवेलेंट होता है। मतलब फॉर सपोज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपका 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हेयर कट नहीं होता है। हेयर कट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यूएशन किया जाता है कि आज के डेट में इस 10 लाख रुपए का वैल्यूएशन कितना है। अगर रिस्क रहेगा तो डिपेंड ऑन द रिस्क, 20% रिस्क है, 30% रिस्क है, 50% रिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेयर कट कर दिया जाता है। मतलब उतना पैसा, जितने परसेंटेज का रिस्क है इस अमाउंट के ऊपर, उतना पैसा कट करके जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है उसी को कैश इक्विवेलेंट लिया जाता है। बट द बेनिफिट ऑफ मनी मार्केट, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कम्प्लीटली कैश इक्विवेलेंट होता है, लाइक उसको पूरा पैसा, उसमें कुछ भी हेयर कट नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ मनी मार्केट। बाकी ये बहुत एडवांस और बहुत इन डेप्थ है। एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मनी मार्केट में, लाइक हम बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, आपका एक ही जगह पे सारा, मतलब यू डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो सॉरी, ओके, सो प्रोडक्ट ट्रेडेड इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेडेबल रहते हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। तो फर्स्ट वन इज इक्विटी मार्केट, सेकेंड वन इज डेरिवेटिव मार्केट, एंड थर्ड वन इज डेप्ट मार्केट। मतलब ये तीनों ही मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। फॉर सपोज इक्विटी मार्केट कौन सा हो गया, जो हम शेयर्स परचेस करते हैं, है ना, और म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट डेरिवेटिव मार्केट्स कौन सा हो गया, एफ एंड डू, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड स्वैप, ठीक है। और डेप्ट मार्केट कौन सा हो गया, एनसीडीज हो गई, देन बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो एक पूरा एक डिफरेंट यहाँ पर भी आता है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। मेनली यहाँ पर ये बॉन्ड्स एंड डेबेंचर्स आते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं इक्विटी मार्केट एंड इट्स प्रोडक्ट, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट्स एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में सबसे फर्स्ट जो ट्रेडेबल या फिर उसके जो फर्स्ट थिंग है वो है शेयर्स, या हम इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, तो आप अगर कोई भी इक्विटी शेयर परचेस करते हैं किसी भी कंपनी के, अगर आप शेयर परचेस करते हैं, तो
आप उस कंपनी का एक फ्रैक्शनल पार्ट जो रहता है उसकी ऑनरशिप मिल जाती है आपको। यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर सपोज आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं तो आपको फ्रैक्शनल ऑनरशिप मिल जाती है, राइट? मतलब फॉर सपोज अगर SBI का आपने 10 क्वांटिटी परचेस किया है तो जो 10 शेयर्स हैं उसकी ऑनरशिप है आपके पास में। अब SBI अगर फॉर सपोज यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन करती है, डिविडेंड्स वगैरह देती है या कंपनी प्रॉफिट रहती है, तो इस शेयर्स से जो भी आपको रिटर्न मिलेगा या इस शेयर पे जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल ऑनरशिप मिल जाती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू। ओके, देन इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं वो फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होते हैं IPO के थ्रू। ओके, IPO के थ्रू फंड रेजिंग होती है ना? ये कंपनीज अपने शेयर लॉन्च करती है IPO के थ्रू। अब ये फंड रेजिंग बहुत सारी चीजों के लिए हो सकती है, मे बी एक्वाइजेशन और मर्जर के लिए हो सकती है, मे बी अपग्रेडेशन के लिए हो सकती है, मतलब कंपनी कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट अपग्रेड करना चाहती है, या फिर कंपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, तो इसलिए ये फंड रेजिंग करती है कंपनी। और फर्स्ट ये प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होते हैं, देन सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में आप NSE और BSE के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं शेयर्स पे, या फिर OTC। OTC बहुत रेयरर यूज होता है, या फिर इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं, या जो ब्लॉक डील या ब्लॉक बल्क डील होती है उसके लिए यूज किया जाता है। मेनली जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं या फिर FIIs रहते हैं तो वो सेबी से परमिशन लेके FIIs परचेस करते हैं, और रिटेलर जो रहते हैं वो NSE और BSE के थ्रू ये शेयर्स परचेस करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको आप दोनों चीजों के लिए रेडी होना चाहिए, आप रिस्क भी बियर करने के लिए रेडी होना चाहिए, प्लस यहाँ से आपको रिवॉर्ड्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है? अगर आप इक्विटी शेयर परचेस करते हैं तो द नेक्स्ट वन इज डिबेंचर्स। ओके, डिबेंचर की अगर डेफिनेशन देखें तो ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अगर सिंपली मैं बोलूं तो जैसे फॉर सपोज इक्विटी है, तो इक्विटी में रिस्क भी है ना, और रिवॉर्ड भी है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हो उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स के भी चांसेस मिलते हैं, ठीक है? बट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट पे करता है जो भी बोरोअर है, जो भी आपसे पैसा ले रहा है वो आपको क्या पे करता है, इंटरेस्ट रेट पे करता है। और ये इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट होते हैं। बस यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि मैच्योरिटी टाइम होता है ना, फॉर सपोज 3 ईयर्स का मैच्योरिटी टाइम है तो मिनिमम 3 ईयर्स आपका फंड क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, है ना? वो फंड आप निकाल नहीं सकते हो या बुक नहीं कर सकते हो, है ना? बट आप 3 ईयर्स के लिए पैसा दोगे तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट? ठीक है, इसमें जो नॉर्मली मेनली दो टाइप के रहते हैं, एक NCDs होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और एक होता है CDs, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है? एक थर्ड और होता है PCDs, पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है? सो फर्स्ट NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया कुछ अमाउंट का,
या जो भी मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट थी तो उतना आपने इन्वेस्ट किया, आपको उस पर ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जब भी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है इसकी, ठीक है, तो आप चाहें तो सेल कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू रख सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप कंटिन्यू रखेंगे तो ईयरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप मैच्योरिटी पे एग्जिट कर देते तो मैच्योरिटी तक का जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या रहते हैं, ये इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। कंपनी में भी पॉसिबिलिटीज है कि आफ्टर मैच्योरिटी कंपनी आपको क्या करेगी, सीडीज देने की जगह इक्विटी शेयर्स जो हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। जो भी इनका मैच्योरिटी टाइम है उसके बाद में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन आपको मिल जाएगा। तो एनसीडी जो रहते हैं ये प्योरली सिक्योर होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, ठीक है। बट सीडीज जो होते हैं ना वो प्योरली सिक्योर नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है तो इक्विटी की कोई गारंटी नहीं रहती है कि 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, राइट, इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करती है, देन डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है ना। फिर कंपनी की अपनी खुद की शीट्स, बैलेंस शीट्स पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है कंपनी के। फिर कंपनी कितना ज़्यादा डेप्थ में है उस पे भी डिपेंड करता है, कंपनी के पास कितनी ज़्यादा असेट्स हैं या फिर लाइबिलिटीज हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे इवन एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं जिस पे कि कम इक्विटी के प्राइसिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिक्योर नहीं होती हैं बट एनसीडीज सिक्योर होती हैं बिकॉज यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, इन दोनों का मिक्सर होता है कि लाइक फॉर सपोज 10 आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं ना, तो इसमें से हो सकता है कि कंपनी क्या बोले कि जितना भी हम लॉन्च कर रहे हैं, फॉर सपोज उन्होंने 100 लॉन्च किया है और वो बोल देते कि जो 5% है इस 100 में से वो पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, मतलब कि 95 तो कन्वर्ट नहीं होंगे बट जो 5% है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपने 10 क्वांटिटी परचेज किए तो इसका जो 5% यूनिट रहेंगे वो मे बी इन फ्यूचर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये थ्री मेनली ये थ्री टाइप्स के डिबेंचर्स रहते हैं। ओके, देन थर्ड वन इज वॉरेंट। वॉरेंट क्या होते हैं, एंटाइटल होते हैं इन्वेस्टर्स जो कि बाय करता है इक्विटी शेयर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। वॉरेंट्स मतलब अगर हम बेसिक डेफिनेशंस समझें तो आपने क्या करा, अगर किसी कंपनी का कोई वारंट खरीदा हुआ है ना, तो उसका मतलब ये रहता है कि फॉर सपोज आपने आज वो वारंट परचेज किया है, ओके, बाय किया है ना। तो कंपनी आपको एक डेट देती है फॉर सपोज आफ्टर अ ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर्स कि उसके बाद में ये जो वारंट आपने परचेज किया है इसके इक्विवेलेंट जो भी आप लोगों का मतलब उनका जो रेशो रहता है तो उसके इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएगी, इक्विटी मिल जाएगी, ठीक है। तो वॉरेंट का मीनिंग ये रहता है। देन नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स आई थिंक आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड्स जो रहते हैं वो एएमसीज के रहते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी के रहते हैं। ये असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स से पैसा पुल करती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है ना। ये फंड किसको ट्रांसफर होता है, फंड मैनेजर को ट्रांसफर होता है। देन फंड मैनेजर डिसाइड कि ये फंड किन सिक्योरिटीज में या फिर
इन्वेस्ट होना चाहिए तो सिक्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? इक्विटी हो सकती है या फिर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, है ना? और ये सिक्योरिटीज क्या प्रोवाइड करती है? रिटर्न प्रोवाइड करती है, एंड दिस रिटर्न पास आउट टू इन्वेस्टर। तो ये रिटर्न पास आउट होता है, बट इसमें से क्या माइनस हो जाता है? इस रिटर्न में से लाइबिलिटीज माइनस हो जाती हैं, माइनस एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जैसे कि फॉर सपोज जितने भी एएमसी में वर्कर्स हैं, जो काम एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, फंड मैनेजर की फीस, तो ये सारे एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज वहाँ से माइनस हो जाती है, और देन जो अमाउंट बचता है वो इन्वेस्टर को पुल आउट किया जाता है, जो भी रिटर्न आ रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है? और म्यूचुअल फंड किस पे डिपेंड करते हैं? जैसे शेयर का प्राइस होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है। इसको बोला जाता है नेट एवरेज वैल्यू। आप चाहो तो कहीं पे इसका फुल फॉर्म लिख लेना एनएवी का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है? देन ईटीएफ, ईटीएफ का भी फुल फॉर्म आप कहीं पे नोट कर लीजिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं ना। और लाइक म्यूचुअल फंड्स जो रहते हैं वो एएमसी मैनेज करती है, ईटीएफ्स भी एएमसी मैनेज करती है, बट ये ट्रेडेबल होते हैं कहाँ पर? एक्सचेंज पर। जैसे कि हम स्टॉक को परचेज बाय सेल कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ईटीएफ्स को भी परचेज कर सकते हैं। जो पॉपुलर ईटीएफ है वो है बैंक बीज, जो कि बैंक निफ्टी की 20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, निफ्टी बीज जो कि निफ्टी की 50 कंपनीज जो रहती हैं उसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो समहाउ ये बोला जाता है कि अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है, अराउंड 60% इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ईटीएफ्स में होता है, ठीक है? अब ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट होने का मैं रीजन आपको बताती हूँ। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस, ठीक है, ईटीएफ्स में 60% इन्वेस्टमेंट क्या क्यों होता है? अभी आई थिंक जिन्होंने 2017 से लेकर 2020 का मूवमेंट देखा है शेयर मार्केट का, तो अराउंड 8,000 से मार्केट 12,400 की रेंज में मूव किया है। देन जो करेक्शन आया था तो लो साइड ये मार्केट गया है 7,500 की रेंज में, ठीक है? अगेन जो आज की डेट में मार्केट चल रहा है, एज ऑन 29 सितंबर 2020, जो आज का मार्केट क्लोज हुआ है वो अराउंड 11,200 पे क्लोज हुआ है। तो आप निफ्टी का मूवमेंट देख रहे हो, लास्ट 3 इयर्स ने इसने 8,000 से 12,400 मूवमेंट दिया, एंड लास्ट आई थिंक ये वाला जो मूवमेंट हुआ है ये जनवरी से लेकर मार्च के बीच में मूवमेंट हुआ है, ठीक है? एंड ये वाला जो मूवमेंट हुआ है मार्च से लेकर अभी सेप्टेम्बर चल रहा है, तो अराउंड 6 मंथ में निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर गई है। तो ये जो ईटीएफ्स रहते हैं ये अपने बेंचमार्क को बीट करते ही करते हैं। फॉर सपोज अगर निफ्टी 20 का प्राइस 1112 चल रहा होगा, इसका ये 100 पार्ट का अगर निफ्टी 20 होगा, तो शेयर का प्राइस हो सकता है कि एसबीआई आज 185 186 चल रहा है, ये 400 रुपये जाए नहीं जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये 111 रुपये अगर निफ्टी इन फ्यूचर 20,000 जाता है और जाएगा ही, ठीक है? तो 20,000 जब भी जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये जो निफ्टी बीज है इसका प्राइसिंग इसके इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है? तो इसलिए ईटीएफ्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ईटीएफ्स जो पोर्टफोलियो रहते हैं जहां पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं। फॉर सपोज निफ्टी 50 की अगर कंपनी देखी जाए तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर की कंपनी यहाँ पर मेटल्स कंपनी भी है, ऑटोमोबाइल कंपनी भी है, देन टेली कम्युनिकेशन कंपनी भी है, एफएमसीजी भी है, एनबीएफसीज भी है, बैंक्स भी हैं, तो ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो
ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एंड अगर जिनको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो उन्होंने हमेशा सुना होगा कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट अगर हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है तो रिस्क लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है और रिवॉर्ड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफ सपोज आप ETF के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विश टू कि अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूं, एंड मेरे कारण मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप लोगों को कुछ मार्केट से रिटर्न मिल सके। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर और आपकी अभी नई नई जॉब लगी है तो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केट, बट वाइजली। ऐसा नहीं इसने बोल दिया उसने बोल दिया इन्वेस्ट कर दिया खत्म। आपका खुद का स्टडी होना चाहिए, थोड़ा सा रीडिंग होना चाहिए, और थोड़ा सा रीडिंग, डेली रीडिंग, थोड़ा सा रीडिंग सफिशियंट होता है मार्केट के लिए। ऐसा नहीं है कि खूब वॉरेन बफेट का हम पढ़ने जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका मैं अभी नाम लूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है वो। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने जो शेयर परचेस करा है वही शेयर हम परचेस करेंगे तो हम बिलियनर या मिलियनर। देखो शेयर मार्केट में कोई भी मिलियनर या बिलियनर ना विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ नहीं बनता है। इट्स अ प्रोसेस, और ये एक बहुत लंबे टाइम की प्रोसेस है। लाइक मे बी पॉसिबिलिटीज है 1 ईयर, मे बी पॉसिबिलिटीज हैं 10 ईयर, मे बी पॉसिबिलिटीज हैं 20 ईयर्स। बट अगर फॉर सपोज आपने पैशंस के साथ में किसी एक स्टॉक को 1 ईयर होल्ड कर दिया ना, एंड वो स्टॉक आपका आपने बहुत वाइजली चूज किया है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपने एक साल वो शेयर होल्ड किया है अपने डीमैट में और आपको वहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं। और आप अगर लाइक आपको मतलब मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप वो प्रॉफिट में होते हुए भी वो शेयर नहीं बेचोगे। और क्यों नहीं बेचोगे तो वो आपको तब पता लगेगा जब आप उस शेयर को एक साल के लिए होल्ड करोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी रिटर्न्स हैं जो हमको सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से नहीं मिलते हैं बट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से मिल जाता है। तो इट इज़ अपार्ट फ्रॉम NISM, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा सा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। बट हाँ, इससे रिलेटेड भी आप डिटेल्स जानना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे बहुत खुशी होगी कि लाइक स्टार्टिंग लेवल्स पे एक इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड लेटर ऑन या फिर धीरे धीरे कहाँ से किस तरीके की न्यूज़ हमको फोकस करनी चाहिए, किन न्यूज़ों को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज मार्केट रूमर्स पे ज़्यादा चलता है। और जब रूमर्स पे लोग फंस जाते हैं तब एक्चुअल न्यूज़ मार्केट में आती है, एंड देन जो वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं या स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं तो फिर वो उस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटर है आप रूमर्स पे मत जाइए, परफेक्ट न्यूज़ के लिए जाइए, तो आपको कभी यहाँ से मार्केट से लॉस नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म वो सब लॉटरी और वो सब, उससे बेटर है कि हर दिन लॉटरी का टिकट खरीदो और उसका नंबर चेक करते बैठो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। शेयर मार्केट इट्स अ मैथ्स, और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अगर इसको अच्छे से समझा जाए ना तो रियली बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है नहीं मिलते हैं रिटर्न्स। आप किसी ऐसे इन्वेस्टर से बात करना जो लास्ट 10 या 20 ईयर से मार्केट में, बट ही इज़ अ इन्वेस्टर और शी इज़ अ इन्वेस्टर। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर है और उससे बात करोगे तो वो तो लगे साला मार्केट गैम्बलिंग है यार, पैसा जाते ही जाता है, कभी आता नहीं है। ओके, बहुत हुआ ज्ञान। ओके, सो इक्विटी मार्केट में हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए? तो फर्स्ट वन इज इक्विटी, देन डेबेंचर्स, देन वॉरेंट्स, लास्ट वन इज ETF। एक और होता है IDR, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट में लिस्ट होना चाहती है या इंडियन मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, फंड रेजिंग चाहती है अपनी कंपनी के लिए, तो ये जो फॉरेन कंपनी है ये IPO के थ्रू
लॉन्च नहीं हो सकती, वो किसके थ्रू लॉन्च होती है, आईडीआर के थ्रू लॉन्च होती है। ओके, सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू के फॉरेन कंपनीज क्या हो सकती हैं, इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाती है। सिमिलरली एडीआर है, ओके, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, सो एडीआर जो है, अगर फॉर सपोज कोई इंडियन कंपनी है ना, और उनको फंड रेजिंग करनी है या लॉन्च होना है अमेरिकन मार्केट्स में, तो वो एडीआर के थ्रू होते हैं। और अगर कोई फॉरेन कंपनीज है और उनको इंडियन मार्केट में अपनी कंपनी को लॉन्च करना है, फंड रेजिंग करनी है, तो वो आईडीआर के थ्रू होते हैं। आप एडीआर और आईडीआर का अगर चेक करना चाहें तो एडीआर में आप टाटा मोटर, जैसे कि टाटा मोटर है जो कि अमेरिकन मार्केट में नैसडेक में लिस्ट है, इंफोसिस है, टेक महिंद्रा है, तो ये सब नैसडेक पे भी लिस्ट है, मतलब अमेरिकन मार्केट पे भी लिस्ट है, नैसडेक नहीं सॉरी। और फॉरेन जो है, जैसे कि ई क्लर्क है, तो ई क्लर्क यहाँ की कंपनी नहीं है, इट्स अमेरिकन कंपनी, मे बी इट्स अमेरिकन कंपनी, हाँ, तो वो इंडियन मार्केट में भी लिस्ट है। तो इस तरीके से अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिनको कि इंडियन मार्केट में लिस्ट होना है, तो आईडीआर के थ्रू होती है। और अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कि अमेरिकन मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो वो एडीआर के थ्रू लिस्ट होती है। तो इक्विटी में एक और आते हैं आईडीआर। देन नेक्स्ट, डेरिवेटिव मार्केट्स एंड इट्स प्रोडक्ट। तो सबसे फर्स्ट जो डेरिवेटिव्स रहते हैं, ये हमने आई थिंक बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, और टॉप ऑफ द वीडियो में बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर इन डिटेल्स आप लोग समझना चाहते हैं, तो एनआईएसएम सीरीज 8 का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, तो प्लीज़ आप उसको एक बार वीडियो को देख लीजिए। बट इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका प्राइस किससे डिराइव होता है, अंडरलाइन के थ्रू डिराइव्ड होता है, राइट? फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वन इज फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप, ठीक है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं, ये टू पार्टीज के बीच में होते हैं, और यही दोनों पार्टीज क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्राइस डिसाइड करती है, प्लस टाइम टू मैच्योरिटी भी डिसाइड करती है, एक्सपायरेशन। फ्यूचर जो रहते हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है? एक्सचेंज डिसाइड करता है लॉट साइज। प्राइस जो रहता है वो बायर सेलर से डिसाइड होता है, और डिराइव्ड होता है किससे, अंडरलाइन से। जो भी अंडरलाइन रहेगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यहाँ पे इनिशियल मार्जिन्स की रिक्वायर्ड होती है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होती है हर एक ट्रेडर के लिए, हेजर के लिए, स्पेक्युलेटर के लिए, ठीक है? और मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है, डेली सेटलमेंट होता है यहाँ पर। और लास्ट थर्सडे हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन है जो हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। उसी तरीके से ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या करता है, बायर को ऑप्शन अपने बायर को राइट प्रोवाइड करता है, बट नॉट ऑब्लिगेशन। टू बाय और सेल द अंडरलाइन असेट। अब ये अंडरलाइन असेट ना ही हम किसी सेलर से बाई कर रहे हैं, ना ही किसी बायर से सेल कर रहे हैं, ठीक है? सो आप ये ध्यान रखना कि हम जो ऑप्शन रहता है वो डायरेक्ट राइट देता है टू बाय और सेल द अंडरलाइन, बट ऑब्लिगेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ऑप्शन अपने सेलर को ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? टू बाय और सेल द अंडरलाइन, ठीक। बाकी लॉट साइज सेम एज फ्यूचर की तरह होती है, ओके? एंड लास्ट थर्सडे को इसकी भी एक्सपायरी रहती है, बट लास्ट थर्सडे को, मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी रहती है, और ये स्टॉक के लिए रहता है,
इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी रहती है ऑप्शन में, ओके, और ये एवरी थर्सडे को होती है। फॉर सपोज थर्सडे को अगर ऑफ रहता है, नेशनल हॉलीडे रहता है, तो सक्सेसिव डे पे एक दिन पहले यानी कि वेनसडे को एक्सपायरी रहेगी। इफ वेनसडे थर्सडे दोनों दिन ऑफ रहता है तो ट्यूसडे एक्सपायरी रहेगी। तो सक्सेसिव डे पे एक्सपायरी रहती है, सॉरी प्रीवियस डे पे एक्सपायरी रहती है, सक्सेसिव डे पे नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑप्शन के दो टाइप होते हैं, पुट एंड कॉल। फॉर सपोज मार्केट अगर अपसाइड मूव करता है तो कॉल बुलिश वर्क करता है और पुट बियरिश वर्क करता है, डाउनसाइड मूव करता है। सिमिलरली वाइस वर्सा हम ले लेते हैं, अगर मार्केट डाउनसाइड मूव करता है तो पुट जो है वो एज अ बुलिश वर्क करता है और कॉल जो है एज अ बियरिश वर्क करता है। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब आउट कर देती हूँ। कॉल अगर फॉर सपोज मार्केट अप रहता है तो कॉल भी अपसाइड मूव करता है और पुट डाउनसाइड मूव करता है। एंड सिमिलरली अगर मार्केट डाउनसाइड मूव करता है तो कॉल जो है वो डाउनसाइड मूव करता है एंड पुट अपसाइड मूव करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉल होता है, मतलब मार्केट जैसा मूव करता है वैसा कॉल मूव करता है, कॉल की प्रीमियम मूव करती है, और पुट जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। मार्केट अप रहेगा तो पुट डाउन रहेगा, मार्केट डाउन रहेगा तो पुट, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑप्शन कॉल बायर रहेंगे उनको बाय करने का राइट मिलता है, और जो ऑप्शन पुट बायर रहेंगे उनको सेल करने का राइट मिलता है, किसे? अंडरलाइन को, ठीक है। फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए ही 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे ही करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, ओके। सो ये एक पूरा बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर फॉर सपोज आप इसके बारे में पूरा इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको टॉप ऑफ द वीडियो प्लस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको NISM सीरीज 8 के फर्स्ट 5 चैप्टर, अगर फर्स्ट 5 भी नहीं, थर्ड फोर्थ ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे या वीडियोस आप देख लेंगे अच्छे से, तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, इवन बेसिक ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इवन मैं आपको बोलूंगी कि थर्ड चैप्टर का ओनली पार्ट 1, और प्लीज आप वॉच कर ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आते हैं क्वेश्चन। मैं पूरा रिपीट करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आपका भी टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आपको वीडियो वॉच करना है, एंड फोर्थ चैप्टर का भी पार्ट फर्स्ट ही आपको वॉच करना है। दोनों का पार्ट फर्स्ट में, थर्ड चैप्टर का बेसिक ऑफ फ्यूचर्स है और फोर्थ चैप्टर का पार्ट फर्स्ट में बेसिक ऑफ ऑप्शन है, तो आपको ये इन द मनी आउट द मनी कॉल पुट ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्वैप, ओके। सो स्वैप जो ओवर द काउंटर OTC काउंटर पे जो F&O में ट्रेड होता है, में या इस ऑप्शन में या स्पेशली इन ऑप्शन जो OTC पे ट्रेड होता है, तो उसे स्वैप कहते हैं। यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैं आपको बोलूंगी कि फ्यूचर ऑप्शन का बेसिक एटलीस्ट और डेफिनेशंस इनसे रिलेटेड वो आप पढ़ लें, ओके। सो एक बार रिविजन कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स जिनकी वैल्यूज किससे डिराइव्ड होती है, अंडरलाइन से डिराइव्ड होती है, 4 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप, ठीक है। फ्यूचर देखें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टॉक फ्यूचर होते हैं और एक इंडेक्स फ्यूचर होते हैं, और ऑप्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पे जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, और स्टॉक के लिए लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ रहेगी और इंडेक्स के लिए एवरी थर्सडे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी रहती है।
यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है, फ्यूचर में ओनली मंथली एक्सपायरी ही रहती है। फ्यूचर और ऑप्शन में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं एट ए टाइम। तो ये इक्विटी डेरिवेटिव, नेक्स्ट होता है करेंसी डेरिवेटिव, देन कमोडिटी डेरिवेटिव और लास्ट वन इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की भी सेपरेट एग्जाम है, कमोडिटी डेरिवेटिव की भी सेपरेट एग्जाम है, करेंसी डेरिवेटिव की भी सेपरेट एग्जाम है एंड इक्विटी डेरिवेटिव की भी सेपरेट एग्जाम है। तो इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8, करेंसी डेरिवेटिव NISM 1 एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव आई थिंक NISM 9 है, मे बी हाँ मैं कन्फ्यूज हूँ इसके ऊपर। और कमोडिटी डेरिवेटिव सबसे लास्ट जो है NISM का वो वाला आई थिंक 14 या 15 नंबर का एग्जाम है, तो वो कमोडिटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सबकी सेपरेट सेपरेट एग्जाम है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में क्या आ जाते हैं, यहाँ पर बुलियंस पे ट्रेड होता है, बुलियंस मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल्स पे ट्रेड होता है, एनर्जी पे ट्रेड होता है और एग्री कमोडिटी होता है, दाल चना सोया इन पे ट्रेड होता है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में कौन आ जाते हैं, बॉन्ड्स डेबेंचर्स। ओके, करेंसी डेरिवेटिव में USD INR जी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड INR ठीक है एंड एक्सेट्रा। और यहाँ पे भी FNO अवेलेबल है, इसमें भी FNO अवेलेबल है, इसमें फ्यूचर अवेलेबल है एंड इक्विटी डेरिवेटिव में FNO अवेलेबल है। ये सारे एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं FNO, है ना, अदरवाइज फॉरवर्ड और स्वैप तो सभी पे होता है। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में आपको स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन पर ट्रेड करने के लिए मिलता है एंड इंडेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं, आप चाहें तो कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, मे बी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंडिया विक्स, मे बी आपने नाम सुना होगा इसका, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ओके, वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि जो भी इन अ डे होल मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उन पे जो वॉल्यूम हो रहा है तो वो इंडियन विक्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया विक्स जितना ज़्यादा हाई रहता है, जितना ज़्यादा होता है, तो उस केस में मार्केट इसके रिवर्सिबल मूवमेंट देता है, उतना कम मार्केट हो सकता है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो दैट्स वाई मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है। और अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो डाउनसाइड रहता है, वॉलेटिलिटी कम रहती है यदि मार्केट में, तो मार्केट रिवॉर्ड्स गेन करता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप कभी नोटिस करना, हो सके तो कल ही नोटिस करना, आपको investing.com आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं investing.com, वहाँ पे आपको इंडियन विक्स का रेट आपको दिखेगा। तो आप मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहेगा, लाइक मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो जो विक्स है वो भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है और मार्केट भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा 1% या 2% अपसाइड है, ऑलमोस्ट 2% अपसाइड है, तो आपको मार्केट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइक 1-2% नेगेटिव मिलेगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। और फॉर सपोज अगर ये 1% या 2% डाउन साइड है, तो उस केस में आपको मार्केट प्लस में मिलेगा अराउंड 1-2%। तो ये अपोजिट रिएक्ट करता है, मतलब जो विक्स रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मार्केट के, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल रहेगा, लॉसेस बढ़ सकते हैं मार्केट में, और जितनी कम वॉलेटिलिटी रहेगी उतना मार्केट रिवॉर्ड्स गेन करता है। एंड वन मोर थिंग जो कि करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में है, तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, या क्या बोलना चाहिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। वाई? बिकॉज ये हमको हमारे रुपी की वैल्यू बताते हैं।
और हमारा रूपी जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ रहेगी। और जितना ज्यादा हमारा रूपी वीक होगा तो उतनी हमारी कम ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा वीक होगी। तो करेंसी फ्यूचर्स या करेंसी डेरिवेटिव्स जो हैं वो 29 अगस्त 2008 में लॉन्च हुए थे, कहाँ पर? एनएससी एक्सचेंज पर। ठीक है, तो ये आप डेट जो है कहीं पे नोट कर लीजिए, है ना। और जो करेंसी ट्रेडिंग है बीएससी पर वो 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस हुई थी, लॉन्च हुई थी। ओके, और एमएसई, ठीक है, एमएससी पे भी लॉन्च हुए थे। और एमएससी को अब लेटर ऑन क्या बोला जाता है? एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। पहले इसको मल्टी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोला जाता था, बट अब इसका नाम जो है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। ठीक है, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो रहते हैं वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। बट रिसेंटली अब एनएससी और बीएससी पे भी आप कमोडिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, देन डेप्थ मार्केट एंड इट्स प्रोडक्ट। तो डेप्थ मार्केट मेनली क्या कंसिस्ट किए होते हैं? बॉन्ड्स एंड डेवेंचर्स। ओके, तो डेप्थ मार्केट नॉर्मली दो टाइप्स में डिवाइड है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेप्थ मार्केट ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अनदर वन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो हम डेप्थ मार्केट को दो पार्ट्स में, जी सेक आई थिंक आपने कहीं पे नाम देखा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो मेनली ये दोनों जो हैं ये दो पार्ट्स हैं डेप्थ मार्केट के, और ये दोनों क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? बॉन्ड्स एंड डेबेंचर्स, मतलब मे बी कोई गवर्नमेंट, लाइक फॉर सपोज आपने REC, NBCC, NTPC, LNT, ये सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। ये सारी कंपनीज अपने बॉन्ड निकालती हैं जो कि गवर्नमेंट, ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज हैं। ओके, एंड सिमिलरली आपको लाइक HUL का भी बॉन्ड मिलेगा, HDFC बैंक का भी बॉन्ड मिलेगा, बजाज फाइनेंस का आपको बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आते हैं। ओके, तो प्राइवेट कंपनी अगर कोई बॉन्ड ले बॉन्ड या फिर डेबेंचर लेके आ रही है, मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में आते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड या डेबेंचर लॉन्च कर रही है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं, ये बॉन्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, NCD प्रोवाइड कर सकते हैं, या CDs प्रोवाइड कर सकते हैं, या PCDs पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आता है। ओके, सो डेप्थ मार्केट बस इतने ही है, सिक्योर्ड होते हैं। तो सिक्योर्ड में बॉन्ड्स हो गए एंड NCDs हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। कन्वर्टेबल डेबेंचर्स जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। फॉर सपोज अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो भी जाता है, तो क्या आपने जितना प्रिंसिपल पे किया है बॉन्ड में उतना आपको रिटर्न मिलेगा, प्लस आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है कंपनी के फंडामेंटल्स और डेप्थ से। ठीक है, बाकी जो बॉन्ड्स और NCDs रहते हैं ये फिक्स रिटर्न पे करते हैं, तो ये सिक्योर्ड होते हैं। कोई कोई कॉर्पोरेट्स हैं जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का पे करते हैं, तो ये सारे सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, नॉर्मली इनका जो टेन्योर रहता है, टाइम टेन्योर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मैच्योरिटी रहती है वो 6 ईयर, 10 ईयर और 13 ईयर रहती है लॉन्ग टर्म की। और शॉर्ट टर्म में टी बिल्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स जिनको बोला जाता है, तो इनकी 91 डेज की मैच्योरिटी रहती है, मतलब 91 डेज में ये मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, सो ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी, जैसे कि इक्विटीज जो है ना, शेयर्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट में भी ट्रेडेबल रहते हैं एंड फ्यूचर में भी ट्रेडेबल रहते हैं, तो सेम जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो डेप्थ मार्केट में भी ट्रेडेबल रहते हैं, एक्सचेंज पे भी ट्रेडेबल होते हैं, प्लस डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडेबल होते हैं। तो डेरिवेटिव्स में उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट वर्ड क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दे प्रोवाइड फिक्स्ड
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्लस जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के कारण प्राइस मोमेंटम आ रहा है, जो बाय एंड सेलर मार्केट मेकर्स जो बिड प्रोवाइड कर रहे हैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए, उसके कारण जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो दैट इज सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट। तो इसलिए ये दोनों में होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैक्सिमम मैंने टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। वन मोर टाइम मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो बेसिक हैं वो NISM सीरीज 8 का मेरा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के पार्ट 1 प्लीज जरूर वॉच कीजिए, तो आपको वहां से कंप्लीट डेफिनेशन एंड प्रॉपर बेसिक्स आ जाएंगे। बिकॉज इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और अराउंड 4 क्वेश्चन जो रहते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ही डिपेंड रहते हैं। लाइक ऑप्शन ऑप्शन की डेफिनेशन आपको पूछ लेंगे, या फिर फ्यूचर की डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर मार्जिन से रिलेटेड पूछ लेंगे, या एक्सपायरी से रिलेटेड पूछ लेंगे। ओके सो एक ओवरव्यू देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे बेस्ट डिफाइन करता है। इशू मेड टू ऑल इन्वेस्टर इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, इशू मेड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, इशू मेड टू दोज इन्वेस्टर हु ऑलरेडी होल्ड द शेयर ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है, प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। जो मैंने आपको बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉमन शेयर्स का हम डिफरेंस पढ़ेंगे, तो ये वहाँ से पार्ट है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो रहता है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए रहता है, और जो IPO रहता है, पब्लिक ऑफरिंग जो रहता है, वो सभी के लिए रहता है। ठीक है, स्टेट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन असेट। कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन असेट। पुट ऑप्शन गिव द बायर द राइट नॉट टू ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन असेट। देखिए, ऑप्शन कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन और पुट ऑप्शन की डेफिनेशन दे रखी है। हमको राइट डेफिनेशन यहाँ पे चूज करना है। तो कॉल ऑप्शन राइट बायर को राइट देता है टू बाय द अंडरलाइन असेट। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन। जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर रहता है वो किस पे डिपेंड करता है। नोशनल 12 ईयर कूपन बियरिंग GOI सिक्योरिटीज, नोशनल 10 ईयर कूपन बियरिंग GOI सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का देखा था कि जो ट्रेजरी बिल्स रहते हैं वो तो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी रहता है, बट जो GOI रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रहती हैं, वो मेनली किस पे डिपेंड करती हैं। 10 ईयर्स नोशनल 10 ईयर कूपन बियरिंग GOI पे डिपेंड करती है। 6 ईयर, 10 ईयर एंड 13 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन। GOI का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज। ठीक है, देन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। लास्ट थर्सडे, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ द, लास्ट थर्सडे, राइट आंसर इज लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ इज दिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए।